हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, शायद वो आप लोगों ने खाई नहीं होगी, प्लस आप लोगों ने आज तक किसी यूट्यूब चैनल पे भी नहीं देखी होगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बर्फी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको देखकर आप लोग रह जाएंगे दंग। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज़ें ली हैं जिनसे आज हम लोग बर्फी बनाने वाले हैं। आज तक आप लोगों ने मूंगफली को वैसे ही खाया होगा, या फिर उसको चटनी में डाल के खाया होगा, या फिर मूंगफली की टेस्ट ही बना के आप लोगों ने बेसन वाली खाई होगी। सो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मूंगफली से ही एक बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बर्फी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ सामान लिया है, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें यहाँ पे लेने हैं। तो मैं आप लोगों को ये सब वीडियो में साथ साथ बताऊंगी कि मैंने क्या क्या इसमें यूज़ किया है। सबसे पहले हमें करना है, जो हमारे पास मूंगफली है, मैंने यहाँ पे एक कटोरी मूंगफली दी है और इनको मैंने रोस्ट कर लिया था। रोस्ट के बाद इनको थोड़ा ठंडा भी कर लिया था। मूंगफली को ग्राइंड करना है, बट बीच में एक दो बार इसको रोक देना है, बिकॉज जो इसमें मॉइस्चर होता है वो बहुत जल्दी आ जाता है, हमें वो नहीं लेके आना है। तो अब हम साइड में बना लेते हैं चाशनी। तो यहाँ पे हमें एक पैन लेना है और पैन में हम डालेंगे चीनी। तो हमारी जो मूंगफली थी वो एक कटोरी थी, मैं उसमें हाफ कटोरी चीनी का यूज़ करूंगी। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैंने उसमें से एक चम्मच चीनी बचा ली है हाफ कटोरी में से, और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैं इसमें आधा गिलास पानी डालूंगी। ये देखिए, मैंने पानी भी डाल दिया है। इसको एक बार हम फटाफट मिक्स कर लेते हैं। हमारी जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम टू लो रहेगी। तो चलिए, जब तक हमारी ये चाशनी बनके रेडी होती है, इसमें हम थोड़े से हरी इलायची के दाने डाल देते हैं, जिससे काफ़ी अच्छी खुशबू और टेस्ट भी हमारी बर्फी में आने वाला है। हरी इलायची को तोड़ के उसके दानों को आप लोग क्रश करके भी इसमें डाल सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं, काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आएगा। फ्लिक को हमने ग्राइंड कर लिया है, तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे घर में ही आटा छानने वाली छलनी होती है उसको हम लेंगे, एक प्लेट पर रख लेंगे और इसमें ग्राइंड की हुई मूंगफलियाँ डाल लेंगे। मूंगफलियाँ डालने के बाद हम इसको छान लेंगे अच्छे से। छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी बर्फी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनने वाली है और मुंह में जाते ही ऐसे घुल जाएगी। आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये मूंगफली से बनाई हुई हमारी एक बर्फी है। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग छान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ऊपर अभी रह गई है जो मूंगफली है थोड़ी सी, हम उसको दोबारा से जार में डालेंगे और फिर से एक बार इसको ग्राइंड कर लेंगे। ऐसे कर करके हमें सारी जो मूंगफली है उसको अच्छे से छान लेना है। तो ये देखिए, मैं फटाफट एक बार इसको छान लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें आगे क्या करना है। साइड में ही हमने जो चाशनी बनाने के लिए रखी हुई है वो बन रही है। सो फ्रेंड्स, हमें जो चाशनी है वो एक तार की चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इसको छान लिया है, कुछ बचा हुआ है इसको मैं दोबारा से ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर से हम देखते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसमें डालने वाले हैं मिल्क पाउडर। तो मैं यहाँ पे 3 चम्मच भर के मिल्क पाउडर डालूंगी। मिल्क पाउडर डालें तो प्लीज़ कंजूसी ना करें, वरना जो हमारी बर्फी है वो अच्छी नहीं बनेगी। 3 चम्मच भर के इसमें मिल्क पाउडर का यूज़ करें, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आएगा और बहुत अच्छी जो हमारी बर्फी है वो बनके रेडी हो जाएगी। तो इसको हम फटाफट एक बार मिक्स कर लेते हैं। लीजिए, ये तो मिक्स हो गया है। साइड में हम एक बार अपनी चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो फ्लेम को अब हम बिल्कुल सिम कर देते हैं, और सिम करने के बाद हम चेक करने वाले हैं अपनी चाशनी को। आप किसी भी चम्मच या फिर अपने ऐसे ही स्पैचुला के ऊपर थोड़ा सा लेंगे और ऐसे दोनों फिंगर्स के बीच में इसको रख के चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो चाशनी है उसमें एक तार बन रहा है, तो यानी कि जो हमारी चाशनी है वो रेडी है। तो चलिए, अब हम इसमें ये डाल देते हैं। हमारा जो बर्फी का रेशो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारी जो बर्फी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनने वाली है। तो मैं फटाफट इसमें ये डाल देती हूँ और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम इसमें मूंगफली का बुरादा डाल देंगे, तो उस टाइम पे हमारी जो फ्लेम है उसको हम लोग बंद कर देंगे, गैस को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड, जैसे ही हम गैस को बंद करते हैं, और बंद करने के बाद हमें रेगुलर अपना हाथ ऐसे ही चलाते रहना है, वरना इसमें जो लंग्स है वो बन जाएंगे और फिर जो हमारी बर्फी है वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं बनेगी।
बर्फी का जो ये पेस्ट है वो चिपकना स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोगों को इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए एक बार हम फ्लेम को अब ऑन कर देते हैं। 2 मिनट के लिए हमने फ्लेम को ऑफ किया था, अब जो हमारी गैस की फ्लेम है उसको बिल्कुल हम सिम रखेंगे और सिम फ्लेम पे ही इसको ऐसे ही रेगुलर मिक्स करते रहेंगे। जब हम इसको रेगुलर ऐसे ही चलाएंगे तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी और ये काफ़ी अच्छे से पक भी जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालने वाले हैं एक खास इंग्रेडिएंट्स जिससे हमारी जो बर्फी है वो चिपकेगी भी नहीं, और जैसे ही हम इसमें वो चीज़ डालेंगे तो जो हमारी ये बर्फी का टेक्सचर है ये डो में रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच भर के देसी घी, और देसी घी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करेंगे तो आप लोग देखिएगा जो आपका बर्फी का जो बैटर है या पेस्ट जो भी आप इसको बोलेंगे वो इकट्ठा हो जाएगा। मेरा भी जो डो है वो बन के रेडी हो रहा है, तो फटाफट एक बार मिक्स कर देंगे घी को इसमें अच्छे से। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ हमें क्या करना है। ये देखिए गाइज, अब मैंने अपनी फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको उतार लेंगे हम एक साइड में। उतारने के बाद इसको 2 मिनट तक हम रेगुलर ऐसे ही चलाएंगे, वरना जो बर्फी है वो लग जाएगी नीचे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको रेस्ट पे रख दिया था। अब हमें क्या करना है, एक ग्लास या फिर आप लोग पोटैटो मैशर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और उसको ऐसे लेके इसको अच्छे से हम लोग मैश करेंगे। अगर इसमें हमारी 1-2 गुठलियाँ जो भी बनी होंगी वो भी इससे मैश करने से ठीक हो जाएंगी। तो हम देखिए इसको रेगुलर एक बार अच्छे से मैश कर लेते हैं। आप यहाँ पे पोटैटो मैशर या फिर किसी भी कटोरी या गिलास से भी इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो बर्फी का डो है वो बन के बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको फटाफट एक प्लेटफॉर्म एरिया पे उतार लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म एरिया पे अच्छे से घी ग्रीस कर दिया है। हम लोग थोड़ा सा घी लेंगे और इसके ऊपर घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप लोग प्लेट के ऊपर भी इसको उतार सकते हैं। तो अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा इसको फिर से अपने हाथों की मदद से मैश कर लेंगे। आप बर्फी के डो को प्लेट या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म एरिया पर उतारेंगे तो उस पर थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा, जिससे कि हमारी जो बर्फी का डो है वो चिपकेगा नहीं और हमारी बर्फी भी इजीली बन जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इसको प्लेटफॉर्म एरिया पे रख लिया था। अब मैं इसको बेलन की मदद से थोड़ा सा फ्लैट कर दूंगी। अगर आप लोग प्लेट पे निकालते हैं तो आप लोग चम्मच की हेल्प से इसको अच्छे से फ्लैट कर लीजिए। ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है इसकी शीट को। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ऐसी कुछ बर्फी खाई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों के लिए ये बर्फी की रेसिपी यूनिक है तो मुझे फटाफट कमेंट्स करके बताइए। तो ये देखिए, मैंने इसको प्लेटफॉर्म एरिया पे अच्छे से फैला लिया है। इस पे हम डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट की कतरंस। ड्राई फ्रूट्स आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो आप लोगों को अच्छे लगते हैं वो डाल लीजिए, और उसके बाद हाथों की मदद से इस पे अच्छे से हम इसको सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद 2 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। और उसके बाद हम कट करने वाले हैं अपने बर्फी के पीस। आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी पसंद से इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं। तो चलिए, मैं 2 मिनट हो चुके हैं तो फटाफट मैं इसको बर्फी की शेप दे देती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जो हमारी बर्फी है वो कितनी शानदार बनके रेडी हुई है। ये लीजिए, हमारी जो बर्फी है वो रेडी हो चुकी है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझको फटाफट कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा है बर्फी देख के। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।